हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दानी जमील। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन। जो हमारा ये वोल्टेज रेगुलेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सिंक्रोनस मशीन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग क्यों निकालते हैं और किस किस मेथड के थ्रू हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ये जान लें कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन का, कि वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू EF माइनस VT अपॉन VT इंटू 100। ये है परसेंटेज में। तो हमारा जो EF है, जो EF है वो कहलाता है हमारा नो लोड वोल्टेज, और जो VT हमारा है वो कहलाता है हमारा फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है कि वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड इंटू 100% के लिए। जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो किसी भी मशीन में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा किसी भी जो भी हमारा सिंक्रोनस मशीन है उसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन जितना ही कम हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या, कितने मेथड हैं डिटरमाइन करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड है हमारा, पहला मेथड है EMF मेथड और सिंक्रोनस इम्पिडेंस मेथड, सबसे पहला मेथड है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस मेथड के ऊपर, पहले मेथड के ऊपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड है हमारा MMF मेथड, जिसको कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स मेथड भी बोलते हैं। ZPF जीरो पावर फैक्टर मेथड भी इसे बोलते हैं। और न्यू ए एस ए अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड भी इसे कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं EMF, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो EMF मेथड या फिर हमारा इम्पिडेंस मेथड, और दूसरा है MMF मेथड। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे EMF मेथड के ऊपर। जो हमारा EMF मेथड है, किस तरीके से EMF मेथड के थ्रू हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन करते हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, EMF मेथड को हम लोग एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम लोग समझते हैं कि EMF मेथड से किस तरीके से हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन करते हैं। तो हमने क्या किया है, सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि हमारा EMF इक्वेशन जो है, सॉरी EMF मेथड के थ्रू हम लोग कैसे वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन कहता क्या है। अ थ्री फेज 10 kVA 400 volt 50 Hz स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर सप्लाई द रेटेड लोड एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग इफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.5 ohm एंड द सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज 10 ohm फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन एंड टॉर्क एंगल। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, एक थ्री फेज अल्टरनेटर है जिसका कि पावर क्या है हमारा 10 kVA है, और सप्लाई वोल्टेज कितना है हमारा 400 वोल्टेज है, और फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 50 Hz है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस हमारा क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस देखें दोस्तों, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.5 ohm, और सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो दिया है वो 10 ohm दिया है, और हमें निकालना क्या क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है और टॉर्क एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, स्टार कनेक्शन बनाया है। स्टार कनेक्शन में क्या है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने हमारा क्या दिया था पावर, तो हमने लिख दिया पावर 10 kVA। तो उसके बाद दिया था आर्मेचर रेजिस्टेंस, हमने RA इज इक्वल टू लिख दिया 0.5 ohm। उसके बाद हमें सिंक्रोनस रिएक्टेंस दिया था, तो XS इज इक्वल टू 10 ohm हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा जो ये 400 वोल्ट दिया है, ये 400 वोल्ट दिया है हमारा सप्लाई वोल्टेज। और जब भी हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरीके की न्यूमेरिकल में अगर स्टार कनेक्शन की बात आए और उस पर लिखा ना हो कि हमारा जो 400 वोल्ट है कि वो फेज है या लाइन है, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हम लोग एज्यूम करते हैं, हम लोग उसको मानते हैं कि कैसा वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है। अगर इस पर लिखा होता 400 फेज वोल्टेज तो क्या होता है, ये फेज वोल्टेज होता है जो न्यूट्रल और एक फेज के बीच में होता है। लेकिन अभी क्या है, ये कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि हमारा कैसा है, लाइन वोल्टेज है। ठीक है, कैसा है, लाइन वोल्टेज है, और हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है 50 Hz है।
और एक बात आपको हम और बता दें कि हमारा जो ये न्यूमेरिकल होता है ईएमएफ मेथड को, ईएमएफ मेथड में जो सॉल्व करते हैं, ईएमएफ मेथड के थ्रू हम लोग जो निकालते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे वोल्टेज होते हैं फेज़ वाले सॉरी लाइन को हम लोग हमेशा फेज़ में सबसे पहले कनेक्ट कर देते हैं। जो भी हमारे लाइन में वोल्टेज दिए होंगे या लाइन में करंट दिए होंगे उसको हमें क्या कर देते हैं, फेज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो फेज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, जो हमारा लाइन वोल्टेज है अपॉन रूट थ्री, ये हमारा क्या है, लाइन वोल्टेज है। तो लाइन वोल्टेज को हमने क्या किया, फेज़ वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया 400 अपॉन रूट थ्री किया, तो ये हमारा कितने में, कौन सा वोल्टेज कन्वर्ट हो गया, लाइन टू फेज़ में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वी एल से वी पी में हो गया 230.9 वोल्ट, ये हमारा फेज़ वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, हाँ जब हमारा अगर एक्सेस दिया है और आर ए दिया है, यानी कि आर सिंक्रोनस रिएक्टेंस दिया है और आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब सिंक्रोनस इंपीडेंस जेड एस निकालेंगे। तो जेड एस इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि एक्सेस स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक्सेस स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर की जगह पर हम इसके वैल्यू को पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड एस निकाल सकते हैं। दोस्तों जो स्टेप मैं बता रहा हूँ इसी स्टेप में बनेगी, जितने भी न्यूमेरिकल्स है इस टाइप के, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे के सारे इसी स्टेप में बनते हैं, तो आपको इसी स्टेप को फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी हमारे फेज़ वोल्टेज होंगे, लाइन वोल्टेज होंगे, उन सबको फेज़ में कन्वर्ट करना है, फिर हमें इम्पीडेंस निकालना है। क्या निकालना है, इम्पीडेंस जेड एस इक्वल टू हमें निकालना है। तो हमने निकाल लिया जेड एस इक्वल टू कितना आ गया, 10.01। अब चलते हैं हम लोग अगला स्टेप के पास, अगला स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारा क्या है, अब हमें क्या है, और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो हमारा दिया है ना, ये वोल्टेज जो दिया होता है यहाँ पर, जो गिवन वोल्टेज होता है वो होता है फुल लोडेड वोल्टेज होता है। जो वोल्टेज गिवन होता है वो कैसा होता है, फुल लोडेड वोल्टेज होता है। जितना हमारा फुल लोड वोल्टेज होता है वो इसके इक्वल होता है। तो हमारा अगर पर फेज के हिसाब से देखें तो फुल लोड वोल्टेज कितना है, 230.9 वोल्ट। तो हमारा फॉर्मूला कहता है वोल्टेज रेगुलेशन का, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड। तो फुल लोड वोल्टेज यानी कि वीटी तो हमें दिया है, हमें नो लोड वोल्टेज निकालना है। अब नो लोड वोल्टेज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, हमारा फुल लोड वोल्टेज ये हो गया, अब नो लोड वोल्टेज हमें निकालना है। तो नो लोड वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, जब सिंक्रोनस का जनरेटर का केस है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर का वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है, जनरेटर के इक्वेशन के हिसाब से लिखते हैं। तो V प्लस आई ए जेड एस, जेड एस बोले तो V प्लस आई ए आर ए प्लस एक्स एस, ये हमारा इक्वेशन होता है सिंक्रोनस जनरेटर का, ठीक है। V प्लस आई ए आर ए प्लस एक्स एस। अब क्या है, यहाँ पर हमें वोल्टेज तो गिवन है, ये वोल्टेज तो हमें गिवन है, लेकिन हमारा आर ए भी गिवन है, एक्स एस भी गिवन है, लेकिन आई ए हमारा गिवन नहीं है, यानी कि आर्मेचर करंट हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब आर्मेचर करंट को फाइंड करेंगे। तो आर्मेचर करंट को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तो हमारा क्या है, देखिए दोस्तों हमारा क्या दिया है, पावर दिया है, क्या दिया है, पावर। तो पावर कैसा है, केवीए रेटिंग है, केवीए रेटिंग। इसका मतलब ये है कि हमारा ये कैसा पावर है, अपेरेंट पावर है। तो अपेरेंट पावर का फॉर्मूला होता है पावर, अपेरेंट पावर यानी कि डेल इज इक्वल टू, अपेरेंट पावर डेल इज इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल होता है, ठीक है। तो हमारा रूट थ्री वी एल आई एल होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पावर कितना दिया है, 10 kVA इज इक्वल टू रूट थ्री वी एल, हमारा कितना है, लाइन वोल्टेज। वी एल इज इक्वल टू मतलब क्या, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज कितना हमारा, 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। आई एल हमें निकालना है, आई एल छोड़ो वैसा का वैसा ही रहने देंगे, इस सारे टर्म को यहाँ ले आएंगे और आई एल इज इक्वल टू निकाल लेंगे। जब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आई एल इज इक्वल टू आ जाएगा। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, आई एल इज इक्वल टू ही आई पी होता है, यानी कि जो हमारा लाइन करंट है वही हमारा फेज करंट ही होता है। तो हमें यहाँ पे फेज में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये तो पहले से ही फेज करंट है, यानी कि आई पी इज इक्वल टू पहले से ही है 14.4, या आई पी इज इक्वल टू भी 14.4 ही है, क्योंकि स्टार कनेक्शन में आई पी इज इक्वल टू आई एल ही होता है। जब हमारा आई एल निकल गया, यानी कि आई एल निकल गया, आर्मेचर करंट निकल गया, तो अब क्या करना है, हमें दिया हुआ है, देखिए दोस्तों हमें क्या दिया है, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग के लिए दिया। यहाँ कंडीशन लिखा होता है यूनिटी के लिए होगा कि लैगिंग के लिए होगा कि लीडिंग के लिए होगा, तो हमें दिया है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग के लिए दिया। तो लैगिंग के लिए दिया, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाई निकालेंगे, पावर फैक्टर के थ्रू हम क्या निकालेंगे, कितने डिग्री पर हमारा लैग कर रहा है करंट वोल्टेज से। तो हमने क्या किया, कॉस फाई इज इक्वल टू 0.8 लिया है,
0.8 है तो phi is equal to cos inverse 0.8, तो phi is equal to हम जब कैलकुलेशन करेंगे cos inverse 0.8 का तो हमारा आएगा 36.86 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे इस इक्वेशन के थ्रू, जो पहला इक्वेशन जो हमारा था ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के थ्रू अब हम लोग नो लोड वोल्टेज निकाल लेंगे। अब हमारा सब कुछ मिल गया, हमें करंट भी मिल गया, देखिए हमें आर ए भी मिल गया, एक्स एस भी मिल गया, वी भी मिल गया, आई भी मिल गया, पावर फैक्टर भी मिल गया, आई ए भी मिल गया, सब मिल गया। तो अब क्या करेंगे डायरेक्ट नो लोड वोल्टेज निकाल लूँगा मैं। तो नो लोड वोल्टेज कैसे निकालूंगा, देखिए अब हम लोग यहाँ पर जब पावर फैक्टर की बात आई है तो हम लोग किसी न किसी चीज़ को रेफरेंस मानते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर को वोल्टेज को रेफरेंस मान रहे हैं। जब वोल्टेज हमारा रेफरेंस होगा तो 230.9 रेफरेंस क्या हमारा वोल्टेज ही है, ये तो वोल्टेज है हमारा, तो वोल्टेज जब रेफरेंस होता है तो उसका एंगल क्या हो जाएगा जीरो। और हमारा करंट कितने डिग्री पर लैग कर रहा है, माइनस 36.86 डिग्री पे, तो लैगिंग पावर फैक्टर यानी कि हमारा जो करंट होगा ये 14.43 जो होगा वो माइनस 36 डिग्री वोल्टेज के रिफरेंस से लैग करेगा, इसलिए हम लोग ने क्या लिखा है माइनस 36.86 डिग्री पे वोल्टेज के रिफरेंस से हमारा करंट क्या करेगा लैग करेगा। और हमारा जो आर ए एक्सेस था वो हमने दिया, देखिए दोस्तों हमने आर ए या जो आर्मेचर रेजिस्टेंस था वहाँ पे 0.5 डायरेक्टली तो लिखा है, लेकिन हमारा एक्सेस में हमने क्या किया है 10J लिखा है, 10J यानी कि उसमें इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दिया। तो इमेजिनरी पार्ट इसलिए ऐड हो गया क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंस होता है वो इमेजिनरी पार्ट्स ही होता है, जहाँ पर रिएक्टेंस की बात आती है वहाँ पर इमेजिनरी पार्ट्स कैलकुलेट होता है, तो हमने यहाँ पर 10J लगाया है। फिर उसके बाद हम लोग कैल्सी के थ्रू से हम लोग क्या करेंगे इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा EP इज इक्वल टू 323.27 प्लस 11.12J। तो दोस्तों मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप खुद कर लीजिएगा, जो हमारा आंसर आया है वो क्या होगा जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इमेजिनरी पार्ट के साथ आएगा 323.27 प्लस 111.12J। अब इसको वापस से हम एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एंगल के फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे इस ईपी को तो हमारा होगा 341.83 एंगल 18.9। अब देखिए दोस्तों अब जो हमारा आया है ये वोल्टेज कहलाएगा हमारा नो लोड वोल्टेज, कैसा वोल्टेज कहलाएगा नो लोड वोल्टेज कहलाएगा। और ये हमारा कहलाएगा डेल्टा, जो हमारा होता है नो लोड वोल्टेज जो हमारा होता है, जो हमारा एंगल बनता है, जो हमारा रिफरेंस से हमारा और जो आउटपुट वोल्टेज का जो रिफरेंस का जो हमारा एंगल बनता है वो कहलाता है डेल्टा, और डेल्टा ही हमारा होता है टॉर्क एंगल। तो हमारा ये क्या निकल गया हमारा डेल्टा निकला मीन्स टॉर्क एंगल, और टॉर्क एंगल हमें क्वेश्चन में निकालना था, हमें बोला गया था कि टॉर्क एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारा एंगल आएगा ईपी के साथ, जो हमारा वोल्टेज के साथ जो एंगल आएगा यही एंगल कहलाता है हमारा टॉर्क एंगल डेल्टा। अब टॉर्क एंगल निकल गया, अब हमारा नो लोड वोल्टेज भी आ गया, यही हमारा नो लोड वोल्टेज हो गया, और ये हमारा फुल लोड वोल्टेज हो गया। नो लोड वोल्टेज निकल गया, फुल लोड वोल्टेज निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन इजली वे में निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के पास। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। जब हमारा नो लोड वोल्टेज हमारा कितना था दोस्तों, तो नो लोड वोल्टेज था हमारा 341.83 हमने रखा, और हमारा फुल लोड वोल्टेज कितना था दोस्तों 230.90। 230 कहाँ से आया था, इस लाइन वोल्टेज को हमने फेज वोल्टेज पे कन्वर्ट किया था, तो 230.9 आया था, तो हमने 230.9 रखा और 230.94 ठीक है इंटू 100 किया। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल हमारा क्या होगा, ये 48.21% में हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आ गया। ये जो हमारा आया है वोल्टेज रेगुलेशन, ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी है, आप इसको मतलब कि एक बार समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में इसके एक न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। और हमारे वोल्टेज रेगुलेशन हमें पता होना चाहिए कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन होने से क्या हमारा हार्म्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है हमारी मशीन में, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए।
तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, समझ में आता है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं अपनी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बना करके मैं आपके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगी। और हमारा जो ये मेथड है, हमने आज एक मेथड पढ़ लिया EMF मेथड और इम्पीडेंस मेथड। जो हमारा अगला मेथड है MMF मेथड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने अगला वीडियो में समझाना है, तो मैं इसे अगले वीडियो में समझाऊंगा MMF मेथड को। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं इसे समझाऊंगा, बहुत इजी वे में समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी। ये MMF मेथड मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।